हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब का मेरे झारखंड किंडो टेरेस गार्डन में मैं फिर एक बार स्वागत करती हूँ। आज 14 जुलाई है और सवेरे के लगभग 7:30 हो गए हैं। मैं आज का अपडेट शेयर करने के लिए आ गई हूँ। फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं उन सबों को मैं धन्यवाद देती हूँ। जो भी मेरे पुराने न्यू फ्रेंड्स हैं, आप सबों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मेरा वीडियो हर एक दिन के बाद आता है। आप सबों को मेरा हर वीडियो देखना है तो प्लीज़ रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी, ताकि आप सबों के मोबाइल में मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, बाइक कैमरा से दिखाती हूँ। आज 12 जुलाई है और दिन के 10 बज गए हैं। मैंने मेरा यह कंटेनर को पलटी कर दिया है, देखिए। और उसमें जो भी मैंने पत्ती डाली थी, देखिए, यह सब डिकम्पोस्ट होने लग गए थे, इसलिए मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आप सबों को। और मैंने रेड मिट्टी में ही लगाया हुआ था, देखिए। तो इसे मैं सुखा दूंगी और इसी को पलट के अच्छी तरह से, बिल्कुल ही देखिए खाद बन गया है, जैसे जो ब्लैक हो गया है डिकम्पोस्ट होके। तो इसे मैं थोड़ा सा फैला दूंगी अभी, और सेकेंड हाफ में, दूसरी टाइम में, इसे मैं इसी में लगा दूंगी, या पपीता ही। ओके फ्रेंड्स, यह 12 जुलाई का अपडेट है। शाम के 6:50 हो गए हैं, मैं आ गई हूँ। देखिए, मैंने मिट्टी वगैरह को यहाँ पर पलट दिया है। मैंने बताया था कि देखिए, बीन्स समझ के लगाई थी, लेकिन यह लॉन्ग बीन्स है या शॉर्ट वाला बीन्स है, अब देखते हैं, उसी ही लगाना है। चलिए फ्रेंड्स, मिट्टी भरती हूँ, ग्रो बैग में ही लगाऊंगी। चलिए अब लगाते हैं, अंधेरा हो रहा है इसलिए मैं अभी एक को ही दिखा रही हूँ, लगा के कल दिखाऊंगी आप सब को। मैं इसे कहाँ रखूंगी यह सब कल दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, लगा के दिखाती हूँ। आज 13 जुलाई है और सवेरे के लगभग 7:15 हो गए हैं। मैं अपने गार्डन में आ गई हूँ और सबसे पहले तो मैं इन सभी, देखिए, यहाँ जो मैं बादाम लगाई थी, मूंगफली, शायद मुझे लगता है कुछ अब निकलने लग गए हैं। यहाँ पर मिट्टी इसका उठ गया है तो मुझे लगता है कि बादाम मूंगफली ही निकल रहा होगा। तो मैं इसे आज, देखिए, यहाँ पर शिफ्ट करने वाली हूँ। देखिए, इस भिंडी के प्लांट के यहाँ सामने मैं यहाँ नीचे रख दूंगी। ओके फ्रेंड्स, शिफ्ट करके दिखाती हूँ। चलिए देखिए, मैंने जो कल बीन्स समझ के लाई थी और लॉन्ग बीन्स या कौन सा बीन्स है, वह जो प्लांट था उसे मैंने कल शाम में शिफ्ट किया, तो अंधेरा हो गया था इसलिए मैं दिखा नहीं पाई, देखिए। और चलिए, यहाँ पर जो मूंगफली का बीज मैं लगाई हूँ उसे मैंने, देखिए, यहाँ पर रख दिया है। और चलिए, मैंने कुछ बीज लगाना है तो यहाँ पर मिट्टियाँ भर के कुछ डिस्पोजल ग्लास में रखती हूँ। चलिए अब लगाते हैं। इसे मैंने कल ही भर के रखा हुआ है तो आज मैं, देखिए, यह सीड आप पहचान रहे हैं, यह करेले के बीज के जैसा लग रहा है, लेकिन यह बीज है स्नेक लौकी का, जो होता है ग्रीन। मैं इसका चित्र डाल दूंगी वीडियो के ऊपर में, आप देख लीजिएगा। मैं उस दिन लेके आई हूँ, बहुत ही हल्का लग रहा है यह सीड, निकल पाएगा या नहीं पता नहीं, पुराना तो नहीं है, मार्केट से ही 10 रुपये का मुझे 6 बीज मिला तो लेके आई हूँ।
चलिए लगा के देखते हैं। मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ और मैं इसके वेजिटेबल भी नहीं खाई हूँ, फर्स्ट टाइम ही खाऊंगी। इसे मैं देखती हूँ कहाँ पर लगाऊंगी। जो सीमेंट का जो बड़ा क्यारी बनाया हुआ है उसमें लगाऊंगी, या कुछ तो मैं बोरे में भी मिट्टी भर के लगाऊंगी, जो मैंने पहले लौकी लगाया हुआ है उसी तरह से। चलिए अब देखिए, ये बीन्स का बीज भी मैं लेके आई हूँ, फ्रेश बीन्स का। तो देखिए इसका बीज ब्लैक ही है, लेकिन पहले मैं लगाई थी लोबिये, उसका भी ब्लैक ही था। मुझे लगता है वो ब्लैक मैं ध्यान दे नहीं पाई कि उसमें शायद फंगसाइड पाउडर लगा हुआ होगा, इसलिए ब्लैक कलर का फंगसाइड पाउडर था होगा, इसलिए मैं समझ नहीं पाई। और शाम के समय लगाई थी तो मैं सोची थी लोबिये का ही बीज है। चलिए अब लगाते हैं। यहाँ देखिए 12 डिस्पोजल ग्लास है, इसमें मैं दो दो लगाती हूँ। देखिए मैंने लगा लिया है, इसे मैं उसी साइड में लेके रख दूंगी जहाँ मैंने पहले बीन्स के लॉन्ग बीन्स के प्लांट को रखा था। देखिए यहाँ पर, यहीं पर मुझे सेफ्टी लगती है और तुरंत ही ग्रोथ किया। और मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, जैसे मिट्टी गीला गीला ही है इसलिए। ओके फ्रेंड्स, आज 13 जुलाई है और यह है शाम के 4 बज गए हैं। मैं हार्वेस्ट करने के लिए आ गई हूँ। मैंने पौधों को पानी नहीं दिया है तो देखिए मेरे पौधे कैसे कुमल से गए हैं। तो चलिए आज हार्वेस्ट करते हैं। मेरा है देखिए इस तरह का, मैं बोली थी ना गुच्छे आकार का तुराई, वह सब हार्वेस्ट के लायक हो गया है, आपको दिख रहा होगा। चलिए अब हार्वेस्ट करते हैं। देखिए जैसे फ्रूट जब बन जाते हैं तो इनको पानी का ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसलिए नीचे तो उसके जड़ में तो मुझे पानी नमी लग ही रहा है, लेकिन इनके पौधे पत्ते वगैरह एकदम नीचे झूल गए हैं। देखिए यहाँ पर तो 3 हुआ है, मैं देखी नहीं थी। यहाँ पर देखिए मेरा जो यहाँ पर धारी वाला तुराई भी अब बढ़ने लग गया है, लेकिन इसे हार्वेस्ट नहीं करूंगी, ये छोटा ही है। देखिए इसको देखिए यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ओके फ्रेंड्स, तोड़ के दिखाती हूँ। चलिए और ये देखिए कुंदरू का भी हार्वेस्ट करते हैं। मेरे नीचे के गार्डन का भी कुछ कुंदरू है, उसे भी हार्वेस्ट करूंगी। मेरा बैगन का सेकंड हार्वेस्ट है, छोटा है, तो मैं कटिंग करूं या फिर ऐसे ही इसमें इनकी डालियां आएगी, क्योंकि देख के तो इतने छोटे इनके पत्ते लग रहे हैं। चलिए हार्वेस्ट कर लेते हैं, सभी को कर दूंगी। या फिर गुड़ाई करके इसमें खाद वगैरह डाल देती हूँ।
देखिए अब भिंडी का हार्वेस्ट करने आ गई हूँ और हमारे यहाँ का मौसम देख लीजिए किस तरह से है। बादल बादल सा है लेकिन बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही है। खेतों में तो पानी है, एक दिन जोर से बारिश आया था, उसके बाद से तो बहुत ही हरा भरा सा है। चलिए अब हार्वेस्ट कर लेते हैं। डेली ही हार्वेस्ट करना पड़ता है भिंडी का, तुरंत तुरंत बढ़ जाता है। देखिए कितने बड़े बड़े से हैं। और मैं बताना भूल जाती हूँ कि देखिए मेरा फिर एक इस बोरे का एक लौकी का पौधा फंगस लग गया था और मर गया। देखिए एक तो है अभी तक, और इसमें अभी तक कोई फ्रूटिंग नहीं हुई है। और मेरे यहाँ छत में तो एक प्लांट में देखिए लौकी है, दो मेरे लौकी अभी फ्रूटिंग हुई है। और देखिए मैंने कल ही पपीते के प्लांट को इस मिट्टी पलट के अच्छी तरह से लगा लिया है। अब देखते हैं यह ग्रोथ कर पाता है या नहीं। अब करेले भी कुछ कुछ होंगे, उसे भी हार्वेस्ट करते हैं। देखिए अभी तो इसका साइज जैसे आना चाहिए उतना, जितना बड़ा आना चाहिए उतना बड़ा आ ही रहा है। तो जब गर्मी के सीजन में बहुत ही छोटा छोटा करेला हो रहा था, ये देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। तो अभी तो जैसे बरसात आने लग गया तो इसके फल भी बड़े होने लग गए हैं। तो एक फ्रेंड ने पूछा था कि आपका करेले का फ्रूट इतना छोटा क्यों हो रहा था, तो शायद मुझे लगता है गर्मी की वजह से भी जैसे फ्रूट छोटा हो रहा था। चलिए अब देखिए मेरा ये तुराई भी, ये भी हार्वेस्ट के लायक हो गया है, इसे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। इस बोरे का है, बाकी तो सब छोटे छोटे ही है। जब इसे मैं तोड़ देती हूँ तो उसके बाद में बाकी तैयार हो जाएगा। चलिए आज का हार्वेस्ट दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, रख के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा आज का हार्वेस्ट। देखिए ये टोकरा में है करेले और कुछ कुंदरू, और ये तीन धारीदार तुराई, और ये कुछ भिंडी, और ये देखिए ये तो बहुत ही सारे मेरे हुए हैं, ये गुच्छे आकार का तुराई और ये कुछ बैंगन है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, नमस्कार।